हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट कॉकटेल समोसा। दोस्तों, ये दिखने में जितनी क्यूट लगती है, खाने में उतनी ही टेस्टी। तो घर पे गेस्ट आ जाए तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कॉकटेल समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डो और फिर फिलिंग। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा। मैदे में मैं ऐड कर दूंगी नमक, घी। और दोस्तों, अब इस घी को हमें अच्छे से मसल मसल कर इस मैदे में मिक्स करना है। दोस्तों, जितने अच्छे से घी इस मैदा में मिक्स होगी, उतने ही क्रिस्पी समोसे बनेंगे। दोस्तों, यहाँ पर घी हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि अगर मुट्ठी में हम मैदा को बंद कर ले तो ये एक बॉल जैसा बन जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए डो बना लेंगे। डो हमें हार्ड ही बनाना है, सख्त आटा जैसे हम पूड़ियों के लिए बनाते हैं। समोसे के लिए डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम बना लेंगे समोसे की फिलिंग। एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख देंगे। तेल गरम होते ही ऐड कर देंगे जीरा और इसी के साथ में बॉयल मैश्ड आलू। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते हुए आलू को हम 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रश किया हुआ पनीर और इसके साथ ही ऐड कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ फ्रेश नारियल, फ्राई किया हुआ काजू और मूंगफली। दोस्तों, अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते हुए बस 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ कॉकटेल समोसा की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बनाए हुए मैदे की डो में से छोटी छोटी पूड़ियां बेल लेंगे। अब इन पूड़ियों को बीच में से काट के इन्हें समोसे का शेप देंगे। दोस्तों, यहाँ पर समोसे के जो कॉर्नर्स है, इसे हमें सील करना है पानी लगाकर। अगर आप पानी का यूज़ नहीं करेंगे कॉर्नर्स को सील करने के लिए या बंद करने के लिए, तो कई बार इसके खुलने के भी चांसेस होते हैं। अब इसके अंदर हम भर देंगे आलू का बनाया हुआ फिलिंग और अच्छे से इस फिलिंग को दबा दबा कर फिल करते हुए फिर से इन कॉर्नर्स को हम सील करेंगे पानी लगाते हुए। दोस्तों, आप देख सकते हैं क्यूट कॉकटेल समोसा अपनी शेप में आ चुका है। दूसरी ओर हम समोसे को फ्राई करने के लिए तेल गरम करने रख देंगे। दोस्तों, तेल हमें यहाँ पर ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस 50-60% तेल गरम होना चाहिए। इतना कि अगर हम अपनी उंगली डालकर चेक करें तो हमारी उंगली ना जले। तेल यहाँ गरम हो चुका है। अब हम समोसों को एक एक करके इस तेल में छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे एकदम क्रिस्पी बने तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैदे का डो बनाते हुए घी को बहुत अच्छे से मैदे में मिक्स करिएगा। दूसरा, समोसों को तलते समय तेल का टेम्परेचर एकदम कम होना चाहिए। तीसरा, समोसों को फ्राई करते समय भी गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। और चौथा, समोसों को तलते समय बहुत सारे समोसे एक बार में कढ़ाई में ऐड करके तलिएगा, जिससे कि तेल का टेम्परेचर एकदम सही रहेगा। दोस्तों, अब एक एक समोसे को अच्छे से अलटते पलटते हुए हमें समोसों को एकदम डीप फ्राई कर लेना है। दोस्तों, समोसों को लो फ्लेम पे फ्राई करने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन बाद में जो समोसे बनकर आएंगे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी। समोसों को फ्राई करते करते लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है और इसी के साथ समोसे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और उनके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। दोस्तों, इन कॉकटेल समोसों को आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं सॉस या हरी चटनी के साथ। ये दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, खाने में उतने ही टेस्टी। तो इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो में।
न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।